हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। मैं हूं आपकी होस्ट ऋतु, और आज हम बात करेंगे कुछ और ट्रैवलर टिप्स और ट्रिक्स के बारे में जिससे आपकी जर्नी हो जाएगी बेहतर। तो अगर चैनल पर नए आए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दिए। तो आज का व्लॉग वी विल स्टार्ट विद द मोस्ट बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ पीपल कि सस्ता और अच्छा फ्लाइट टिकट कहाँ और कैसे बुक करें। तो आज के व्लॉग में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप, जैसे मैं करती हूँ पिछले छोटे 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 जो मेरे जुगाड़ हैं, वो सब कुछ आपको शुरू से लेके अंत तक समझाऊंगी। अगर कोई परेशानी हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। तो चलिए बिना कोई समय खराब किए हम लोग शुरू करते हैं। तो बहुत लोग आएंगे आपको, मतलब ये तो सबको पता है कि भैया 1 महीने पहले या 2 महीने पहले, 3 महीने पहले टिकट बुक कर लो तो सस्ता मिल जाएगा। जितना आप जल्दी बुकिंग करिए उतना सस्ता मिल जाएगा। पहले तो ये मिथ है। टिकट्स का क्या होता है, कई बार 6 6 महीने बाद की भी आप टिकट देखोगे ना, जो पता है कि ओकेजन है, जैसे क्रिसमस की टिकट, आप न्यू ईयर के टाइम की टिकट आप चाहे 1 साल पहले भी बुक करोगे ना, वो महंगी ही होती है, सस्ती तो होती नहीं है। तो ये मिथ है, लेकिन फिर भी ये बहुत बेसिक सी चीज़ है। तो सबको पता है कि टाइम से पहले बुक कर देंगे तो सस्ता मिल जाएगा। लेकिन मैं आपको कुछ और नई चीज़ें बता रही हूँ जिससे आपकी फ्लाइट बुकिंग का एक्सपीरियंस भी बदल जाएगा, आसान हो जाएगा और आपको सस्ती टिकट भी मिल जाएगी। क्योंकि मैं वो सब करती आई हूँ, बहुत सारे जुगाड़ करती आई हूँ, छोटी 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 पैसे बचते हैं तो अच्छा लगता है, इट इज गुड। लेकिन हमेशा क्या होता है ना कि आपके पास इतना टाइम नहीं होता, कई बार सडनली प्लान बनता है, बल्कि मोस्टली सडनली ही प्लान बनता है कि कहीं जाना है, चलो कहीं वेकेशन पे चलते हैं, चलो भगवान ना करे कुछ ऐसे खराब हो गया या फिर कुछ किसी का प्रॉब्लम आ गया, तो हमें ज्यादातर हमें मोस्टली सडनली टिकट बुक करना पड़ता है। हफ्ते 10 दिन के आर पार में टिकट बुक करना पड़ता है। हम लोग भी ऐसे ही हमेशा करते हैं। तो उस सिचुएशन में आप कैसे सस्ता और अच्छा टिकट बुक कर सकते हैं वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। सो आर फर्स्ट ऑप्शन एंड आर फर्स्ट स्टेप फॉर बुकिंग चीप फ्लाइट्स, बुक योर टिकट्स ऑन गूगल। जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप। जो भी आपके फोन में ब्राउजर हो, सफारी होगा iOS वालों के में और एंड्रॉयड वालों के में, जो भी क्रोम या फिर जो भी सफारी, जो भी या फिर जो भी आपका वेब ब्राउजर हो, उसे आप खोलें और वहाँ अपना डेस्टिनेशन जाके डाल दें। डेस्टिनेशन डाल रहे, जैसे मैं यहाँ पे ले रही हूँ, यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ आपको दिल्ली टू पुणे या पुणे टू दिल्ली का फ्लाइट मैं दिखा रही हूँ। तो गूगल आपको सारे ऑप्शन दिखा देता है, देखिए ऊपर से नीचे 1 2 3 जितनी 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 टिकट आ रही है। आप यहाँ डेट वाले कॉर्नर में डेट डाल सकते हैं, डिपार्चर वाले लोकेशन में लोकेशन डाल सकते हैं, टाइम वाली जगह पे टाइम डाल सकते हैं। तो इन सब चीजों को डालने के बाद वो आपको सबसे सस्ता ऑप्शन दिखा देगा नीचे, ठीक है। अगर आपको डेट का ऐसा कोई फ्लेक्सिबिलिटी है, आपको कभी भी जाना पड़ सकता है, मतलब कोई एक डेट पे नहीं जाना है, जैसे बहुत से प्रोफेशनली लोग होते हैं जो इनफॉर्मली जा रहे हैं, ऐसे वेकेशन के लिए जा रहे हैं, ऐसे रैंडम जा रहे हैं, तो उनको डेट का कुछ नहीं होता, उन्हें बस ये जाना है। तो वो डेट के मंथ के कैलेंडर पे आप जाइए, वो कैलेंडर पे आप क्लिक करेंगे ना तो पूरा कैलेंडर खुल जाएगा और बता देगा कौन कौन सी डेट्स की टिकट्स के प्राइस क्या क्या है। उस दिन की जो सबसे सस्ती टिकट होगी वो आपको उस कॉलम में दिख जाएगी। तो आप उस टिकट को बुक करा लीजिए अगर वो डेट आपके लिए सूटेबल है तो। तो जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे ना तो वो वहीं पे आ जाएगा, मेन गूगल का पेज आ जाएगा, फिर से वो दिखा देगा ऑप्शंस, जो जो वेबसाइट उस टिकट का प्राइस जो जो दे रही है, सबसे ऊपर सबसे सस्ता वाला आ जाएगा। तो आप उस पर क्लिक करिए और वहां से आप बुकिंग प्रोसेस शुरू कर दीजिए। अगर आपको नहीं पता बुकिंग कैसे करते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं अगली वीडियो बुकिंग के लिए बनाने की कोशिश करती हूँ। और वेबसाइट पे जाने की बजाय मेक माई ट्रिप हो गया, अगोडा हो गया, बहुत सारी वेबसाइट्स हैं आजकल तो टिकट बुक कराने के लिए, लाइक एक खोलो 50 आती हैं, उसके बजाय आप गूगल पे चले जाइए। क्योंकि गूगल आपकी सारी सर्च को फिल्टर करके आपको बेस्ट ऑटोमेटिकली दिखा देता है। तो आई ऑलवेज बुक माई टिकट्स ऑन गूगल एंड पुटिंग द लोकेशन, सो ऑलवेज बुक योर टिकट्स ऑन गूगल। चले मैं आपको हमेशा की तरह अपना एक एक्सपीरियंस बताती हूँ। जब मैं सबसे पहले पिछली वीडियो में बताया ना सिंगापुर के लिए, जब सबसे पहले टिकट्स बुकिंग करी थी, जब पता नहीं था, इतना एक्सपीरियंस नहीं था बुकिंग करने का, तब मैंने क्लियर ट्रिप से टिकट बुक की थी। मैं अपने ऑफिस में थी, तभी भी मैं SEO का जॉब करती थी, तो वहां से मैंने क्लियर ट्रिप की बुकिंग की थी। क्लियर ट्रिप से हुआ क्या, मेरा कुछ नाम या कुछ एड्रेस या कुछ डेट गलत हो गई थी, तो वो टिकट में इतना प्रॉब्लम हुआ, मेरा पूरा का पूरा 15-20 हज़ार पूरा वेस्ट हो गया। उसके बाद होते हैं ना, आप एक बार नुकसान कर देते हो तो आप बहुत अलर्ट हो जाते हो, तो मैं अलर्ट पोजीशन में आ गई, मैं एक ही चीज़ को 10-10 बार ढूंढती थी। उसके बाद धीरे 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 सीख के, फिर तो खैर बाहर पढ़ने गई UK जाने के लिए, उसके बाद एजेंट्स की भी हेल्प ली, एजेंट से टिकट बुक कराए, लेकिन वो उसमें मज़ा नहीं आया, उनको ना बहुत दिमाग खाते हैं एजेंट्स लोग आपका छोटी छोटी चीज़ के लिए। तो क्या करा, इंटरनेट का ज़माना था तब, फिर स्काई स्कैनर वगैरह इन सब से टिकट बुकिंग करनी शुरू की थी मैंने, फिर तो एक्सपर्ट बन गए थे, आना जाना इधर उधर चलता रहता था। मोस्टली टिकट बुकिंग्स को लेके जब भी मैं टिकट चेक करती हूँ, जब मुझे दिल्ली जाना होता है, जो मेरा मायका पलवल में है, पलवल जाना होता है, तो जब भी मैं टिकट्स बुक करती हूँ तो मैं देखती हूँ, ऑब्जर्व किया है मैंने कि 15 दिन का जब अंतराल होता है ना, मतलब 15 दिन के डिफरेंस पे टिकट्स के प्राइस बहुत कम हो जाते हैं। जैसे वहाँ का टिकट का प्राइस मोस्टली एवरेज 4.5-5 हज़ार का होता है, ठीक है। अगर मैं अभी करा रही हूँ, जैसे कल परसों का या 5-10 दिन के बीच का करा रही हूँ, तो वो 8 हज़ार 7 हज़ार तक होगा। जैसे 15 दिन बाद होता है ना डिफरेंस, 8 से लेके 15 दिन बाद,
तो उसका टिकट का प्राइस मतलब मुझे 4,000 से भी कम में मिल जाता है, और फिर उसके बाद तक 10-15 दिन का वही 4,000 प्राइस होता है। तो दिस 15 डेज गैप इज समथिंग इन बुकिंग योर फ्लाइट टिकट, इसको हमेशा ऑब्जर्व करिए, इसको हमेशा दिमाग में रख के चलिए कि 15 दिन पहले बुकिंग करा लें। दूसरा मेथड जो है सस्ती टिकट कराने के लिए, आप एक चीज का याद रख सकते हैं, अगर आपको ऐसे कोई सुबह ऑफिस के लिए नहीं जाना है या किसी मीटिंग के लिए भागना नहीं है या किसी बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम पे नहीं पहुंचना है, तो आप अर्ली मॉर्निंग की या फिर लेट नाइट की टिकट्स बुक करिए। अर्ली मॉर्निंग और लेट नाइट्स में क्या फायदा होता है, आपको ज्यादातर जो प्रोफेशनल लोग होते हैं जिनको टाइम पे जाना है, सबसे ज्यादा पीक आवर जो होते हैं वो दिन के टाइम के होते हैं, क्योंकि वो सबके लिए कंफर्टिंग आवर्स होते हैं। लोग अपना सुबह निकलेंगे शाम को वापस भी आ जाते हैं, तो डे टाइम की जो टिकट्स होती हैं वो बहुत डिमांड में होती हैं और वो हमेशा भरी हुई होती हैं और उनके टिकट प्राइस भी बहुत ज्यादा होते हैं। तो मेक श्योर आप सुबह 7 बजे से पहले की और शाम को 7 बजे के बाद की अगर फ्लाइट बुक कराएंगे तो आपको काफी सस्ती मिल जाएगी, क्योंकि उस टाइम पे काफी कम लोग ट्रैवल करते हैं। कई बार तो ऐसा देखा है मैंने कि फ्लाइट खाली भी होती है, अगर रात में आप सुबह अर्ली में ट्रैवल कर रहे हैं तो फ्लाइट ज्यादातर खाली भी होती है। तो बुक योर फ्लाइट्स इन अर्ली मॉर्निंग और लेट नाइट टू गेट बेटर प्राइसेस। फ्लाइट बुकिंग में क्या है, टाइम और डेज और ये चीजें बहुत मैटर करती हैं। अब जैसे मैंने आपको टाइम का बताया कि अर्ली मॉर्निंग और लेट नाइट का बुकिंग करिए, वैसे ही सेम टू सेम वीकली डेज में ये सिस्टम है। जैसे मंडे हो गया, मंडे इज द मोस्ट बिजिएस्ट डे, मोस्ट बिजी डे ऑफ द वीक। मंडे को ज्यादातर लोग अपना वीकेंड बना के निकल रहे हैं, ऑफिस के लिए जा रहे हैं, मंडे से सबका ऑफिस शुरू होता है, तो मोस्टली मंडे इज द बिगिनिंग ऑफ ए वीक। मंडे की फ्लाइट सबसे ज्यादा महंगी होती है, उसके बाद फ्राइडे सैटरडे संडे विच इज ए वीकेंड, वीकेंड की फ्लाइट में फिर से सबका आना जाना शुरू हो जाता है, कम्यूट सिस्टम एकदम से बढ़ जाता है, मतलब दूर वालों का, लॉन्ग रूट वालों का। उसकी वजह से फ्राइडे सैटरडे संडे की फ्लाइट भी महंगी होती हैं। तो बचे कौन से दिन, बचा हमारे पास ट्यूजडे मंगलवार बुधवार और गुरुवार, ट्यूजडे वेंसडे थर्सडे, ये 3 दिन बच गए हमारे पास। ये 3 दिन जो होते हैं थोड़े से पीसफुल होते हैं, इन दिनों की टिकट जो होती हैं वो मोस्टली सस्ती होती हैं, क्योंकि डिमांड कब होती है, दे आर लाइक नॉट नॉन पीकिंग डेज ऑफ द वीक। तो मेक श्योर कि आप अपनी टिकट बुक करें ट्यूजडे वेंसडे या थर्सडे के लिए, अगर आपका कोई डे का कोई फ्लेक्सिबिलिटी का इशू नहीं है तो। चौथा जो मेरा ऑप्शन है वो है कि जब भी आप टिकट बुक कर रहे हैं ऑनलाइन, इंटरनेट तो आपके पास है, फोन भी आपके पास है, बुकिंग करते करते ना जिस भी वेबसाइट पे या जिस भी एयरलाइन का आप टिकट बुक कर रहे हैं उसको जाके एक बार उसका कूपन कोड देख लीजिए। गूगल पे जाके सर्च करेंगे ना आप कूपन कोड फॉर लाइक यू आर फाइंडिंग फॉर इंडिगो फ्लाइट्स, कूपन कोड फॉर इंडिगो फ्लाइट्स, कूपन कोड फॉर मेक माई ट्रिप, कूपन कोड फॉर एयर एशिया फ्लाइट्स, इस तरीके से जाके आप कूपन कोड ढूंढेंगे तो आपको ग्रूपॉन हो गया अपना, ग्रैबॉन हो गया, बहुत सारी ऐसी कूपन की वेबसाइट्स हैं जहाँ पे आपको कूपन कोड मिल जाएगा, तो वहां से कूपन उठाइए। और जब आप पेमेंट के टाइम पे जाएंगे वहां पे ना वाउचर का ऐसे ऑप्शन होता है, उसमें डालेंगे कूपन कोड तो आपको काफी अच्छा डिस्काउंट मिल जाता है। मैंने बहुत बार डिस्काउंट्स लिए हैं। और पता है क्या, सिर्फ फ्लाइट टिकट्स में ही नहीं, फ्लाइट से रिलेटेड और ट्रैवल से रिलेटेड बहुत सारी चीजों में कूपन कोड की वजह से काफी डिस्काउंट, काफी फैसिलिटीज, काफी रिवॉर्ड्स मिल जाते हैं। तो मेक श्योर कि आप कूपन कोड अप्लाई करें, ट्राई तो करके देखें, आपको कुछ ना कुछ मिलेगा। और ना कूपन कोड ना टेस्ट करने पड़ेंगे आपको, कई बार क्या होता है एक्सपायर हो जाते हैं या फिर वैलिड नहीं होते या आप एलिजिबल नहीं होते उस कूपन कोड को यूज करने के लिए, तो थोड़ा आपको मेहनत करनी पड़ेगी सही कूपन कोड ढूंढने के लिए। तो जो चौथा था वो था हमारा फाइंड कूपन कोड रिलेटेड टू योर फ्लाइट टिकट। ये कूपन कोड, ये कूपन कोड वाला जो ट्रिक है ना, ये मेरी एक फ्रेंड है, शी इज फ्रॉम SEO, उन्होंने मुझे बहुत पहले सिखाया था, मतलब आज से 6-7 साल पहले शी वॉज डूइंग समथिंग फॉर मी, ऐसे तू कूपन ढूंढ ना जाके, कूपन होगा इसका ऑनलाइन। तो मैंने जाके देखा तो सच में मेरे को काफी डिस्काउंट मिल गया, तब से तो मैंने हर चीज में कूपन ढूंढने शुरू कर दिए। और उसके जब पेमेंट के टाइम पे होता है तो आई मेक श्योर दैट आई फाइंड ए कूपन कोड एंड गेट सम डिस्काउंट। मेरा क्या जा रहा है, डिस्काउंट मिल रहा है। अच्छा, हमारा जो पांचवा ऑप्शन है सस्ती टिकट बुक कराने के लिए वो है हमारा डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड डिस्काउंट। मैंने किया हुआ है, मेरे ना भाई के पास था कोई HDFC का कार्ड था, HDFC का कार्ड उस बार उस टाइम मेरे पास नहीं था, विक्रांत यहाँ रहते नहीं, उनके पास है लेकिन वो बाहर रहते हैं, तो मुझे पलवल जाना था, तो मैंने देखा फ्लाइट के नीचे लिखा हुआ है दैट यू हैव ऑफर्स ऑन HDFC क्रेडिट कार्ड। मैंने कहा मेरे पास तो है नहीं, तो मैंने भाई को फोन किया, मैंने कहा तू ना मेरी पेमेंट कर दे और मैं तेरे को पैसे बाद में दे दूंगी। तो उससे मुझे 20% का डिस्काउंट मिला फ्लाइट टिकट पे, जस्ट बाय पेइंग इट थ्रू द HDFC कार्ड, HDFC कार्ड से, क्रेडिट कार्ड से मैंने पेमेंट किया तो मुझे काफी अच्छा 20% का डिस्काउंट मिला। तो डिफरेंट डिफरेंट कार्ड जो होते हैं, एक्सिस बैंक हो गया हमारा, ICICI बैंक हो गया हमारा, कोटक बैंक हो गया, अब तो यस वो क्या नाम है अपना SBI बैंक, तो बहुत डील्स देता है SBI बैंक, तो बहुत प्रमोशन के लिए बहुत डील्स देता है, तो SBI का कार्ड आप बनवा सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड से डिस्काउंट होते हैं जो फ्लाइट पोर्टल्स पे आपको मिलते हैं, तो हमेशा वो जब पेमेंट के टाइम पे ना वो ऊपर वाउचर और डिस्काउंट्स का जो अलग से सेक्शन होता है, जैसे मैं दिखा रही हूँ आपको, वहां पे आप एक बार चेक कर लीजिए कि आपके पास कौन सा कार्ड है, वो एलिजिबल है आप डिस्काउंट के लिए या नहीं है।
अगर आपके पास वो कार्ड नहीं भी है तो किसी दोस्त के पास, किसी रिलेटिव के पास है, अगर अच्छा डिस्काउंट मिल रहा है तो वाई नॉट, उनसे आप बोरो कर सकते हैं और वही अमाउंट फिर उनको वापस दे सकते हैं। अच्छा, जो हमारा छठा, छह हो गए ना, हाँ छह हो गए, छठा ऑप्शन जो है जिससे आप सस्ता फ्लाइट बुक कर सकते हैं वो है स्टिक टू वन एयरलाइन। अगर आप एक ही एयरलाइन से बार 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 ट्रेवल कर रहे हैं, एक ही एयरलाइन से, एक ही वेंडर से भी अगर बुक करा रहे हैं ना बार बार, मोस्टली मैं एयरलाइन का मैंने देखा है, मेरे पास भी है, जेट एयरवेज का था, तो वो आपको क्या करते हैं, पॉइंट्स देते हैं, रिवॉर्ड पॉइंट्स देते हैं, जब भी आप उनके साथ बुक करते हैं तो आपको पॉइंट्स मिलते हैं, जब वो पॉइंट्स एक्युमुलेट होते जाते हैं, इकट्ठे होते जाते हैं, तो एक टाइम पे आके आपको इतने पॉइंट्स हो जाते हैं आपके कि आपका पूरा का पूरा टिकट मुफ्त में बुक हो जाता है। और अगर टिकट भी नहीं मिलेगा ना, आपको कुछ ना कुछ डिस्काउंट्स मिल जाएंगे, आपको कुछ ना कुछ फैसिलिटी मिल जाएगी, आपको कुछ ना कुछ रिवॉर्ड्स मतलब उसके पॉइंट्स के मिल जाएंगे अगर आप एक ही एयरलाइन के साथ स्टिक रहते हो। और जब आप उसी एयरलाइन से मतलब एयरलाइन की वेबसाइट से अगर बुक कराते हैं तो आपको कैंसिलेशन में, रिफंड में और भी बहुत सारी फैसिलिटीज में आपको फायदे होते हैं। सस्ती टिकट बुक कराने के लिए शर्माइए मत, हम लोग भी अपने टाइम में बहुत जुगाड़ करते थे कि किसी तरीके से इसमें कुछ तो डिस्काउंट मिले, कुछ तो 200, 300, 400, 500 और कभी कभी तो ऐसा 800, 900, 1000 रुपये का भी डिस्काउंट मिल जाता था, तो बहुत मजा आता है। मतलब 300, 400 रुपये भी आपके कम हो जाते हैं ना तो बहुत अच्छा लगता है, और 1000 रुपये भी मिल जाते हैं। तो हम भी अपने टाइम में सस्ते टिकट कराने के बहुत जुगाड़ करते थे, आप भी करिए, कुछ नया आप भी ढूंढिए, कुछ नया मुझे भी बताइए, मैं अपनी वीडियो में आपको शाउट आउट दूंगी और जरूर ऐड करूंगी कि ये एक और जुगाड़ है जो लोग करते हैं सस्ता टिकट बुक कराने के लिए। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें आगे ऐसी और वीडियोज के लिए, मुझे मोटिवेट करने के लिए। आप तो जानते ही हैं, एक लाइक 100 मोटिवेशन और एक सब्सक्राइबर 1000 मोटिवेशन। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे चलते चलते। Have a nice journey. Bye bye.